बंगरा ब्लॉक अंतर्गत सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम भवन नेगुआ के डोडा रोड पर कुएं पर बने मकान में आग लग गई, जिसमें 3 मवेशी मर गए, साथ ही नकदी व अन्य सामान जल कर खाक हो गया। वहीं आग बुझाने में महिला झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। थाना अंतर्गत ग्राम भवन कुआ के डोडा रोड पे मेहरवान कुशवा पुत्र अर्जुन कुशवा अपने कुएं में कच्चे मकान बना कर रहता है, उसी में गृहस्थी का सामान रखा हुआ था। दिन में अचानक आग लगने से मकान जलने लग गया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक 3 मवेशी की मौत हो चुकी थी। 2 मवेशी झुलस गए। आग से घर में रखा अनाज समेत 18,500 रुपये नकदी, पानी के पाइप और लेबरा समेत सारा सामान जल कर राख हो गया। घायल पशुओं को बच्चों चिकित्सा इलाज के लिए पहुँचाया गया। सूचना मिलने पर SDM मऊरानीपुर राजकुमार स्थानीय लेखपाल SI निरंजन सिंह पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। वही किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लवनदार, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पटौरिया आदि लोग भी मौजूद रहे। IN7 न्यूज के लिए बंगरा झांसी से अभिनंदन जैन की रिपोर्ट। सर यहाँ पे आग नहीं हुई है, इस क्षति के लिए आप किसान को किस प्रकार की सर शासन से सहायता दिलवाएंगे? अभी यहाँ निरीक्षण किया गया है, हमारा लेखपाल रिपोर्ट बना रहा है, और मौके पर देखने में ही लग रहा है कि जो है एक भैंस मरी है और उसका एक बच्चा है, बकरी है, और जो भी क्षति हुई है उसका आकलन करके और जो भी सरकारी सहायता होगी शासनादेश के तहत जो सहायता तत्काल मुहैया कराई जाएगी। सर ये जो और भैंस मृत हुई है इसका पोस्टमार्टम बता दिया गया, पोस्टमार्टम करा लें तो इसका कितना क्या मुआवजा मिलेगा पीड़ित को? जो भी शासन से निर्धारित रेट है क्या रेट है सर, थोड़ा बताएंगे? अब जो भी निर्धारित है वो मतलब उसी हिसाब से मिलेगा। तो कुछ तो सर बताएंगे सर, थोड़ा सा रेट एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है। छोटे पशु है लेकिन जो मृत पशु पे जो शासन द्वारा निर्धारित है छोटे हैं, उसमें अलग अलग रेट है, मतलब छोटे पशुओं पर बड़े पशुओं पर उसके आधार पर जो भी सहायता मिलेगी उसको दिया जाएगा। अभी आपको कंफर्म जानकारी नहीं है किसकी ये इसका जो हाँ एग्जैक्ट उसकी जानकारी नहीं है जो महिला जली हुई।